इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। साबिक गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर की नाज़ेबा वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हुई नज़र आती हैं। हम बग़ैर कुछ सोचे समझे ये वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और इनकी हकीकत अभी सामने नहीं आई आया कि ये वीडियो सच पर मबनी है भी या नहीं। वीडियो सच पर मबनी हो या ना हो, दोनों सूरतों में हमारा मजहब इस्लाम इस तरह की वीडियोस और बातों को फैलाने से मना फरमाता है। हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है जिसका मफहूम बयान किए देता हूँ कि अगर आप किसी के ऐप के बारे में जानते हैं तो इसको छुपाएं और दूसरे लोगों पर जाहिर ना करें, रोज़े महशर अल्लाह ताला आपके गुनाह छुपाएगा। इसी तरह अगर ये वीडियो झूठ पर मबनी हुई तो फिर सोचें कि हम किस कदर गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं। इन वीडियोस के साथ एक कबायली बुजुर्ग का बयान भी आया है जिसने कहा है कि 2015 में मोहम्मद ज़ुबैर ने इनसे उधार पैसे लिए थे। अल्लाह जानता है कि इन वीडियोस के साथ इस बुजुर्ग का क्या ताल्लुक है और ये सच भी है या झूठ है। इसी तरह कहा जा रहा है कि मरियम नवाज ने ये वीडियोस लीक करवाई हैं। इसकी वजह यह बयान की जा रही है कि मरियम नवाज मोहम्मद ज़ुबैर को पार्टी मामला से दूर रखना चाहती हैं। एक दो जगह पर यह भी सुनने में आया है कि मोहम्मद ज़ुबैर ने पार्टी से अलहदा होने का इंदिया दिया था जिसके बिना पर मरियम नवाज ने ये वीडियोस लीक करवाई, जबकि इस बात की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई कि यह सच है या नहीं। ये सच है या झूठ है वल्लाह ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन हमें इस किस्म की बातों से गुरेज करना चाहिए और ऐसी वीडियोस को शेयर नहीं करना चाहिए। कभी आपने सोचा कि जब एक वीडियो आप शेयर करते हैं तो वो कितना अरसा तक शेयर होती रहती है और कितना अरसा वो सोशल मीडिया पर मौजूद रहती है और कितना अरसा वो लोगों की नज़रों से गुजरती है? तो जब तक वो लोगों की नज़रों से गुजरती है लोग इसको देखते हैं, हमारे गुनाहों में इजाफा होता है। अगर वो वीडियो इस्लाम के ख़िलाफ़ है और अगर वो वीडियो अच्छी वीडियो है, इस्लामिक वीडियो है, तो जब तक वो लोगों की नज़रों से गुजरेगी लोग उसे देखते रहेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा चाहे हम मर भी चुके हों। दुआ है अल्लाह ताला हमें अनजाने में किए गए गुनाहों से माफ़ी अता फरमाए और मज़ीद गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमसे ऐसे गुनाह सरजद ना हो जो कि हमारे मरने के बाद भी हमारे गुनाहों में इजाफे का बाइस बने। आमीन। जज़ाकअल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।